जय भीम। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, पता नहीं कितना मतलब आई थिंक हमने न्यूज़ में देखा कि अनुराग कश्यप के साथ अमित जी जो इतने बड़े ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ सुपर स्टार बियॉन्ड दैट, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ किसी को भी काम करना चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होता है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी बॉलीवुड से कि अनुराग कश्यप को बॉयकॉट किया जाए। थैंक यू। क्या ये मैसेज खास अमिताभ बच्चन जी के लिए था? सबके लिए है ये मैसेज। अमिताभ कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं? पता नहीं, मैंने न्यूज़, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इज़ द न्यूज़, बट जो हमें पता चला है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी। अमित जी तो इतने बड़े एक्टर हैं, हाँ अमित जी तो इतने बड़े एक्टर हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट टू ऑल अदर एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड एवरी वन, टिल द इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, और अभी तक जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कोई भी उनके साथ काम ना करे तो हमें लगेगा कि बॉलीवुड स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर वीमेन। मतलब आप ये कहना चाहेंगे अमिताभ बच्चन शुरुआत करेंगे तो बाकी लोग उनको देखें? बिल्कुल बिल्कुल, वो महानायक है, वो उनसे बड़ा तो कोई नहीं, कोई भी नहीं है इंडस्ट्री में। तो आई वुड लव दैट इफ ही ज्वाइन एंड इफ ही स्टार्ट बिगिन विद दिस। थैंक यू। और अभी ये पायल घोष के केस के बाद मैं सभी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लड़कियों को, अगर आपके ऊपर पायल जैसा अन्य काम हम करते रहेंगे, आप डर के मारे अगर चुपचाप बैठेगी तो ये इंडस्ट्री का जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बहुत बड़ा खराब हो सकता है, हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का मिसयूज करना और एक्सरसाइज करती है और ऐसे मतलब लड़कियों पर, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग जो है ये जानबूझकर अन्याय करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सगळ्यांनी जेवण करा आणि जाऊ सगळ्यांनी। थँक्यू।